अपने आसपास देखो और खुद को भी देखो। क्या आप व्यस्त हैं? तो आप पाएंगे कि सब व्यस्त हैं। लेकिन क्या व्यस्त रहना पर्याप्त है? बच्चा होगा वो कहीं व्यस्त होगा, कोई जवान है तो वो कहीं व्यस्त होगा, बूढ़ा कहीं व्यस्त होगा, आदमी कहीं तो औरत कहीं व्यस्त है। व्यस्त तो सब हैं, गंदी नाली के कीड़े से लेकर के इंसान और जानवर और पशु और पक्षी और पेड़ और पौधे और सूर्य और चांद और तारे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यस्त नहीं है, सब व्यस्त हैं। किंतु क्या व्यस्त होना पर्याप्त है? नहीं, व्यस्त होना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि आप व्यस्त कहां पर हैं। और ये मत सोचना कि कीड़े मकोड़े का व्यस्त होना, किसी पशु या पक्षी का व्यस्त होना और इंसान का व्यस्त होना दोनों अलग अलग बात है। बिल्कुल अलग बात नहीं है। दोनों के व्यस्त होने में कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है। और वो अंतर यह है कि व्यस्त तो जानवर भी है, व्यस्त पक्षी भी है, व्यस्त इंसान भी है, मगर इंसान व्यस्त होने के साथ साथ दुखी, परेशान, अशांत भी है, बेचैन भी है, इंसान पीड़ा भी पा रहा है। इसके अलावा दोनों की व्यस्तता में कोई अंतर नहीं। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि देखो इंसान कितने अलग अलग तरह के काम करता है, कोई इंजीनियर है तो कोई वकील है तो कोई डॉक्टर है तो कोई पुलिस है, कोई आईएएस है तो कोई आईपीएस है, कोई आईआईटीएन है तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई शिक्षक है, कोई देखो नेताजी बन गया, राजा बन गया, प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, मगर ये सब के सब जो अलग अलग दिशा में बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं सब एक ही जगह थोड़ी ना व्यस्त हैं, इनसे एक या दो ज्यादा से ज्यादा चीजें छीन लो, पता चल जाएगा कि सारे काम एक हैं कि नहीं है। सारे काम किए जा रहे हैं इसलिए ताकि भोगने को मिल जाए, भोगने को मिल जाए इसीलिए तो सारे काम किए जा रहे हैं ना। और अगर इनको ये दिख ही जाए, ये साफ साफ स्पष्ट हो जाए कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं इससे इनको कुछ मिलने वाला नहीं, तो क्या ये करेंगे? इनको दिख जाए कि जो मैं कर रहा हूं उससे ना पैसा मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना प्रतिष्ठा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो नौकरी तो छोड़ो, ये उसके लिए पढ़ाई भी ना करें। खासकर पुरुष को कह दिया जाए कि तुझे स्त्री भी नहीं मिलेगी तो वो न नौकरी करेगा न वो काम करेगा। तो अंततः ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? अलग अलग पदों पर बैठकर किया जा रहा है। हालांकि पद बनाए तुम ही ने हैं, अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हो, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, पर सारे के सारे धड़ाम से गिर जाएंगे अगर इनसे एक दो चीज छीन लो तो, कि भैया तुम्हें बस भोगने को नहीं मिलेगा। जा रहे हैं क्या ये अलग अलग दिशा में, कुछ अलग कर रहे हैं क्या, कुछ खास कर रहे हैं क्या? और हमने कहा जानवर पशु पक्षी से अलग नहीं कर रहे हैं, तो जानवर भी तो शिकार करते हैं ना। चील को देखो आसमान में उड़ती है, इतना ऊपर उड़ती है, मगर किस लिए? ताकि एक दिख जाए नीचे से कोई चूहा, कोई खरगोश, कोई सांप, कोई हिरन का बच्चा, कोई मछली घात लगा के ऊपर बैठा रहता है। अब यूं तो बहुत ऊपर बैठा है, या कहो कि लगभग सबसे ऊपर ही उड़ता है वो पक्षियों में, गिद्ध चील, मगर वहां भी बैठा है भोगने की खातिर। और जिन्हें हम अपने नेता कहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, अभिनेता कहते हैं, वो सब भी क्या कर रहे होते हैं? वो सब भी वहां बैठे हैं, मगर किस लिए? भोगने की खातिर। और जानवर भी शिकार करता है, मेहनत करता है,
शेर अपने ढंग से करता है तो शेर भी राजा, वो अपने ढंग से करता है, पक्षी अपने ढंग से करता है, सियार अपने ढंग से करता है, सब अपने ढंग से मेहनत करते हैं ना, खूब कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, जान भी चली जाती है, पूरा खतरा मोल लेते हैं पर मेहनत करते हैं। तो आपकी जितनी भी सारी मेहनत है वो है भोग की खातिर, वासना की पूर्ति की खातिर। और जानवर पशु पक्षी छोटे मोटे सब तरह के कीड़े मकोड़े वो भी व्यस्त हैं वही सब करने में, तो आप में और उसमें अंतर क्या है? व्यस्त तो दोनों हो मगर कहाँ। जानवर भोगने में व्यस्त है, पहले खूब मेहनत करता है, शिकार करता है, जैसे आप काम धंधा करते हो, फिर वो भोगता है वैसे आप भोगते हो, वो भोगने में व्यस्त है, वो सोता है वो सोने में व्यस्त है, आप भी कम से कम 6 घंटे तो सोते ही हैं, तो 6 से 8 घंटे आप सोने में व्यस्त हैं। कौन व्यस्त नहीं है? आप अपने बीवी बच्चों को घर को पालने में व्यस्त हैं, सारे जानवर भी अपने बच्चों को पालने में व्यस्त हैं, पशु पक्षी भी व्यस्त हैं, कीड़े मकोड़े भी व्यस्त हैं। इतनी तो चींटियाँ रेंगती रहती हैं, दाना ढूंढती रहती है शक्कर का, कहीं कुछ खाने को मिल जाए, सब व्यस्त हैं। पूछो तो कहाँ व्यस्त हो, क्योंकि जानवर पशु पक्षी कहीं भी व्यस्त हैं, वो बस 2-4 कामों में ही व्यस्त रहते हैं, या तो शिकार करने में, कुछ खाने की तलाश में, जब खाना मिल जाए तो भोगने में व्यस्त हैं, सोने को मिल जाए तब सोने में व्यस्त हैं, और जब बच्चे पैदा करना हो तो बच्चे पैदा करने में व्यस्त हैं, जब वो हो जाते हैं तो उनको संभालने में व्यस्त हैं। वो व्यस्त होकर भी दुख नहीं पाते, और आप भी उन्हीं सब में व्यस्त हैं मगर दुख पाते हैं। इसीलिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप व्यस्त हैं, ये भी देखना ज़रूरी है कि आप कहाँ व्यस्त हैं। अगर गलत जगह पर व्यस्त हैं तो आपको दुख मिलना ही है। और गलत जगह व्यस्त होने का अर्थ क्या है? इन्हीं चीज़ों में आवश्यकता से अधिक व्यस्त हो जाना। जानवर उतना ही शिकार करता है जितने की उसको उसी वक्त आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा भविष्य की वो नहीं सोचता है, इसीलिए वो दुख से मुक्त है। आप अतीत के कुछ अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं, और अतीत के अनुभवों के आधार पर वर्तमान में भविष्य को सुनिश्चित करने की तैयारी में लगे रहते हैं। आज तक आपने जितना भी कुछ तैयारी की भविष्य की, क्या कुछ भी वैसा हुआ और कितना हुआ? आप जैसा सोच रहे हैं भविष्य को वैसा कुछ है नहीं, वैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो सिर्फ आपकी कल्पना है। जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल नया होगा। आप जवानी में तैयारी करते हैं बुढ़ापे की, इसीलिए आप जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं, या कहो आप जवान होते ही नहीं, इसीलिए आपके जीवन में दुख है। आप गलत जगह व्यस्त हैं। जानवर पशु पक्षी भी संबंधों में व्यस्त होते हैं, मगर वो संबंधों के ऊपर चढ़कर नहीं बैठते, आप संबंधों के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। आप गलत संबंधों को भी ढोते रहते हैं, या तो आप दूसरों को ढोते हैं या आप दूसरे के ऊपर चढ़ बैठते हैं। तो आप कहाँ व्यस्त हैं? आप अतीत और भविष्य में व्यस्त हैं, और अतीत और भविष्य में व्यस्त होने का अर्थ है कि आप जीवन के अनुभवों से चूक रहे हैं, क्योंकि जीवन कहाँ है? अभी वर्तमान में जीवन है, अभी वर्तमान में, और आप व्यस्त हैं अतीत और भविष्य में। तो जो वर्तमान में जीवन है और जो वर्तमान में उस जीवन को उपस्थित ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है, वो अनुभवों से चूकेगा ही।
तो आप व्यस्त हैं अतीत और भविष्य में, इसीलिए आपके जीवन में दुख है। कभी कह रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं किया होता तो वैसा नहीं होता, कभी कहते हैं वैसा किया होता तो ऐसा हो जाता, और कभी भविष्य के ख्यालों में खोए रहते हैं। ये कहां व्यस्त हैं आप? आप गलत जगह पर व्यस्त हैं। जानवर ऐसी जगहों पर व्यस्त रहता ही नहीं, इसीलिए वो दुखी नहीं है। तुलना कर रहा हूं आपकी जानवरों से, और आप माने इंसान जानवरों से भी गई गुजरी हालत में दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आप गलत जगह पर व्यस्त हैं, इसीलिए आपके जीवन में तनाव, डिप्रेशन, अवसाद, चिंता पाई जाती है। जानवरों के जीवन में ये नहीं होती, होती भी है तो उस स्तर की नहीं जिस स्तर की आपके यहां होती है। क्योंकि जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है, वो कहां जाते हैं इलाज कराने, क्योंकि उनको ऐसा कोई समस्या होती ही नहीं जैसी आपको हो जाती है। तो आपकी ये समस्या क्यों है? क्योंकि आप गलत जगह व्यस्त हैं। जानवर कूच कूच कर खाता ही नहीं, एंड बेंड चीजें खाता ही नहीं, आप खाते हैं, आप जबरदस्ती ठूसने में व्यस्त हैं, हर कुछ ठूसने में व्यस्त हैं, इसीलिए आपको शारीरिक समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं। जानवर को उतनी नहीं होती, क्योंकि वो उतना ही लेता है जितने की आवश्यकता होती है। आप तब सोते हैं जब आपको नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि आप गलत जगह व्यस्त हैं। आपको सुबह जल्दी उठना है, टाइम से टाई बेल्ट बांधना है और जाना है। तो जब नींद नहीं आती तब आप सोते हैं, जब नींद आती है तब आप जबरदस्ती जागते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बड़ा महान काम कर रहे हैं, आप बस वही कर रहे हैं जो जानवर करते हैं, चिड़िया करती है, शिकार दाना चुगती है, उसी की तैयारी में लगे हैं। क्यों ये सब गड़बड़ है? क्योंकि आप गलत जगह व्यस्त हैं। और आप अगर गलत जगह व्यस्त हैं तो आप हर जगह पर गलत जगह व्यस्त हैं। संबंधों में भी गलत होंगे, इसीलिए गलत काम में व्यस्त होना पड़ेगा। गलत काम और गलत संबंध हैं, इसीलिए बीमारियों और तनाव और चिंता इन सब में भी व्यस्त रहना पड़ेगा। और इन सब में व्यस्त हो तो भूत भविष्य में भी व्यस्त होना पड़ेगा। एक जगह अगर गलत व्यस्त हो तो अनेक जगह आपको व्यस्त होना पड़ेगा। अनेक ऐसी जगहों पर आपको व्यस्त होना पड़ेगा जो गलत होंगी। पशु पक्षियों को देखो, वो खेल में भी व्यस्त होते हैं, मगर आप खेल में व्यस्त नहीं होते। कुछ होते हैं, उनको छोड़कर अधिकांश नहीं होते। पशु पक्षी, भौंरे, तितलियां, सब हर मौसम में अपने अपने ढंग से वो आनंद लेते हैं मौसम का। क्यों? क्योंकि वो उस मौसम में मौजूद होते हैं। आप तो गर्मी में बरसात की सोचते हैं, अरे गर्मी से तो बरसात बढ़िया है। आप बरसात में गर्मी की सोचते हैं, अरे बरसात से तो गर्मी बढ़िया थी, चप 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 हो रहा है। आप ना बरसात का अनुभव लेते, ना आप गर्मी का अनुभव लेते, ना आप किसी और मौसम का अनुभव लेते। और सारे अन्य जीव जंतु, प्रकृति, पूरी प्रकृति हर मौसम का आनंद लेती है। क्यों? क्योंकि आप गलत जगह व्यस्त हैं। आप जीवन में ऐसे मुद्दों में व्यस्त हैं जिनमें व्यस्त रहने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके सामने से बढ़िया मस्त पवन चल रही होगी, अच्छे दृश्य होंगे, मगर आप सोच रहे हैं कि अतीत में उसने मुझसे ऐसा कहा तो कहा कैसे। छोड़ो ना, देखो पहले व्यस्त कहाँ हो। अगर जीना है, अगर जीवन का अनुभव लेना है, तो अतीत और भविष्य से छूटो, व्यर्थ में उलझना छोड़ो, पुरानी बकवास बातों को, चाहे कितने ही अच्छे अनुभव हुए हों, चाहे कितने ही बुरे अनुभव हुए हों, छोड़ो, जाने दो, बिसार दो,
और अभी जो है सामने उसको देखो। अरे मैंने फलाने की मदद की थी एक समय पर, और बहुत मदद की थी, आज देखो उसने धोखा दे दिया। अरे जाने देना, की होगी तूने मदद, नहीं की उसने तेरी मदद। पहली बात तो अगर तू ऐसा सोचता है कि तूने उसकी मदद की थी और अब उसने तेरी मदद नहीं की, तो तूने उसकी भी मदद नहीं की थी। तू स्वार्थी था, तू मतलबी था, तूने अपने स्वार्थ के लिए उसकी मदद की थी। तूने मदद ही इसलिए की थी ताकि उससे तुझे मदद मिल जाएगी बाद में, तो तूने कुछ मदद नहीं की। पर मैंने तो अपने बेटे की बहुत मदद की थी, उसको मैंने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बेटे को अपनी बेटी को, और आज देखो मेरी सुनता नहीं है। तो बच्चा है क्या वो हैं? अब तो बड़ा हो गया है, अब तो आज़ाद करो उसे। कितनी मदद की थी, आज तुम अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे हो, तो तुमने कितनी उसकी मदद की होगी। वो मदद कहलाने लायक भी नहीं है, और अगर तुमने उसकी इतनी मदद की है तो अपनी भी कर सकते हो। तो चाहे कुछ भी ऐसा हो जो बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा हो, उसे छोड़ो, उसे मन में मत पकड़ कर बैठो। उसे पकड़ कर बैठोगे तो ये जो वर्तमान है ये जाता जाएगा, बह जाएगा, थोड़ी देर में ये भी अतीत हो जाएगा। वर्तमान इतना छोटा है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि वर्तमान है। वर्तमान है तो छोड़ो, है इतना भी नहीं कह पाओगे, इतनी देर में वर्तमान फिसल जाता है, लगातार फिसल रहा है। ऐसे ही समझ लो जैसे दो कमरों के बीच में जो दरवाजा होता है ना, वो दरवाजा वर्तमान है और दो कमरे भूत और भविष्य। और भविष्य कितना बड़ा है कुछ नहीं कह सकते, अतीत तो वही है जो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ वहां से यहां तक पहुंचे हैं, और भविष्य कितना बचा है इसका आपको कुछ नहीं पता है, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कहकर भी नहीं आएगा वो कि बस खत्म होने वाला हूं, एक सेकंड पहले भी नहीं बताएगा कि बस खत्म, बस वो तो खत्म हो ही जाएगा। तो जिसे आज अतीत कह रहे हो, वो भी कल जब आपको अनुभव लेना था उस जीवन का, तब वो वर्तमान ही था। अतीत और भविष्य जैसा कुछ नहीं होता है, बस वर्तमान ही होता है। पर समस्या यह है कि आप अतीत और भविष्य के अलावा कहीं जीते ही नहीं है, वर्तमान में आप जीते ही नहीं है, होता सिर्फ वर्तमान है, मगर आप जीते भविष्य और अतीत में हैं। यही समस्या है। और जानवर, प्रकृति के अन्य सभी जीव जंतु वर्तमान में ही होते हैं, हालांकि उनके लिए ना भूत है, ना भविष्य, ना वर्तमान, कुछ नहीं है, पर एक दृष्टि से देखें तो वो वर्तमान में ही जीते हैं। और आपके लिए है सिर्फ वर्तमान, पर आप जीते हैं भूत और भविष्य में। ये जो छोटा सा पल है जो लगातार है, जिसमें जीवन है, जिसमें आप जीवित हो, बस वही है, उसमें जी लिए तो जी लिए, वरना तो बह जाना है। भविष्य आ रहा है इस दरवाजे से उस दरवाजे में, कदम रखते ही खत्म, भविष्य वर्तमान होकर के अतीत हो जाता है, और तुम इन दोनों में उलझे रहते हो। कभी देखा है हम ट्रेन में या बस में बैठते हैं तो कैसे सब कुछ पीछे छूटता जाता है, तो तुम बिल्कुल सामने देखो और दूर तक का देखो, जितना देखा जाए, दूर का पास का, पर सामने, आगे या पीछे नहीं, क्योंकि जो आगे है वो जब सामने आएगा दिख जाएगा, और जो पीछे निकल चुका है अगर उसको देखने में लगे रहे तो ना तो उसे देख पाओगे, और ना ही जो अभी वर्तमान में उसे, और ना ही उसे जो आगे आएगा। तो सामने देखो, जो सामने आता जाए देखते चलो, आनंद लेते चलो। तो जीवन में कुछ भी आए, अभी जो आ रहा है उसका सामना करो, जो निकल गया निकल गया, जो आएगा देखा जाएगा। तो फिर वही बात, ये मत कहो कि आप व्यस्त हैं, ये पूछो अपने आप से कि आप कहाँ व्यस्त हैं। पक्षी भी आधी दुनिया नाप देते हैं, और आप अपने गांव अपने शहर को ही नहीं नाप पाते हैं। कब घूमे थे अपने पूरे मोहल्ले को, अपने पूरे गांव को, अपने पूरे शहर को, या राज्य को, या देश को, या दुनिया को? नहीं घूमे ना। आपसे ज्यादा तो जानवर पशु पक्षी घूम लेते हैं।
प्रकृति, जंगलों में आप कभी कभार जाते हैं, पहाड़ों पे कभी कभार जाते हैं घूमने, वहाँ भी जाते हैं तो बस मूर्खताएं करने, शांति से घूमने नहीं जाते। आपसे ज़्यादा तो जानवर घूम लेते हैं, तो थोड़ा जीवन को जीवन में आने दो, वरना छोड़ो, जीवन है, हो जाएगा एक दिन ख़त्म, फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।